सॉस की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरीके से ये कंसिस्टेंसी सॉस की रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयशा ट्यूटोरियल्स और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। और इसको हम बनाएंगे थ्री पार्ट्स में। पहला पार्ट हम पास्ता की तैयारी, दूसरे पार्ट में हम वेजेस की तैयारी और तीसरे पार्ट में हम करेंगे सॉस की तैयारी। तो चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट पार्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा है क्योंकि हमने पास्ता इसके अंदर बॉयल करना है। एल्बो मैक्रोनी है मेरे पास जो कि 2 कप है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बॉयल आ लेने दें ताकि इसको बॉयल होते हुए हम इसके अंदर पास्ता डाल सकें। इसमें देखें हल्का हल्का बॉयल आ रहा है। अब मैं इसके अंदर 2 कप पास्ता डाल रही हूँ, 1 एंड 2, ठीक है। 2 कप पास्ता और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट ताकि हमारा पास्ता जो है ये फीका ना रहे। हल्का सा मैं इसको हिला रही हूँ। कुछ लोग इसको बॉईल करते हुए साथ में ऑयल भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती और उसका ऐसा कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। जब तक ये बॉईल होता है हम दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं अपने वेजिटेबल्स की। और उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमें चाहिए सबसे पहले प्याज, 1 चॉप किया हुआ, ये मैंने थोड़ा सा छोटा छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 2 गाजरें हैं और 1 शिमला मिर्च है। 200 ग्राम्स चिकन है। 1½ टीस्पून गार्लिक पाउडर है, पेस्ट है, एक्चुअल में मेरे पास पाउडर अवेलेबल नहीं था। ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सॉल्ट, हसबे ज़रूरत, ये दोनों हसबे ज़रूरत डलेंगी। ये आपके पास है चिली फ्लेक्स और ये है गार्लिक पाउडर, ये जिंजर पाउडर है और वो गार्लिक है, ठीक है। दोनों डलेंगे, दोनों पाउडर अवेलेबल हों तो 1 1 टीस्पून ये और 1 टीस्पून ये, ठीक है। ये सेकंड पार्ट की तैयारी है। वेजिस की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने लो फ्लेम पे चूल्हा चला लिया और अपना पैन जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर डालूंगी सबसे पहले बटर। अगर बटर मौजूद ना हो या आप ना डालना चाहे इतना बटर तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बटर इस्तेमाल कर लें, ऑयल इस्तेमाल कर लें, घी इस्तेमाल कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं डालूंगी सिर्फ 1 टेबल स्पून ताकि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी वेजीज हैं वो सोते हों और बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। पैन हमारा आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं अनियन जो हमने चॉप करके रखा था। इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। स्टेज भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज पर हमने इसको और फ्राई नहीं करना। बस हल्का सा नरम करेंगे इसको, ना ब्राउन करना है, ज्यादा पकाना नहीं है।
आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है, ना तो ये ब्राउन है और ना ही ये बिल्कुल अब वाइट रहा है जिस तरह से पहले था। ठीक है, तो हम इसके अंदर अब ऐड कर देते हैं चिकन जो हमने काट के रखा हुआ है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दें ताकि चिकन थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दे और सॉफ्ट हो जाए। इस स्टेज पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर सॉल्ट, हल्की सी ब्लैक पेपर, वन टीस्पून चिली फ्लेक्स, वन टेबलस्पून जिंजर पाउडर। चिकन अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके अंदर हम साथ ही ऐड कर रहे हैं वेजेस। वेजेस डालने से पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गार्लिक 1.5 टीस्पून जो हमने पेस्ट रखा था। और हम अब ऐड कर रहे हैं ये 2 गाजरें और 1 शिमला। लो फ्लेम पे ही इसको पकने देंगे और मैं इसको ढांप रही हूँ ताकि हल्की सी सोते हो जाए, नरम हो जाए। तो हम इसके अंदर साइड पर हम तैयारी करेंगे सॉस की। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, चेक कर लेते हैं हम एक दफा। अब इसको टाइम है, पास्ता हमारा ऑलरेडी तकरीबन कुक्ड है। क्या देखें, इसकी हमेशा याद रखें कि ये टिप है कि 90 to 95% हमेशा इसको बॉयल किया जाए। अगर इससे ज़्यादा हम इसको बॉयल करते हैं तो जो इसके आपस में ये चिपकने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये इस कंडीशन पे इसको स्टॉप कर दें फ्लेम को और इसको स्टेन कर लें। तो ये देखिए पास्ता हम स्टेन कर चुके हैं। कुछ लोग इसके ऊपर फ़ौरन ठंडा पानी डालते हैं और कुछ लोग ऑयल डालते हैं, तो मैं हमेशा ठंडा पानी डालती हूँ, मैं ऑयल नहीं डालती। अगर आप डालना चाहें, आपको हो फिक्र हो के ये जुड़ ना जाए आपस में, तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल लें। वेजेस भी हमारी तकरीबन हो चुकी हैं, हम अब थर्ड पार्ट की तैयारी करते हैं जिसके लिए हमें सॉस तैयार करनी है और फ़ौरन से ये जो हमारा पास्ता है और वेजेस हैं इनको उसके साथ मिक्स कर देना है। सेकेंड पार्ट के बाद अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट के इंग्रेडिएंट्स और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास वाइट सॉस की तैयारी है,
इसमें सबसे पहले ये हमने रखा है चीज़। चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक, मैं चीज़ लवर हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ लिया है, वरना 5 to 6 टेबल स्पून इनफ है। ये है बटर, 4 to 5 टेबल स्पून। जितनी क्वांटिटी हम बटर की रखेंगे उतनी ही क्वांटिटी हम रखेंगे मैदे की। जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, 4 to 5 टेबल स्पून है। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और सॉल्ट हसब ज़रूरत। और ये हमारे पास है 2 कप दूध, ठीक है, जिसको ऑलरेडी ये बॉयल्ड है। अगर आप बॉयल्ड नहीं पसंद करते तो कोई इशू नहीं, आप विदाउट बॉयल, क्योंकि इसने बॉयल हो ही जाना है इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए हम अब सॉस की तैयारी करते हैं। तो सॉस की तैयारी के लिए सबसे पहले हमने पैन रखा है, और पैन के अंदर थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए पैन, तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं 4 to 5 टेबल स्पून बटर। इसको मैं चम्मच से निकाल लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ कि ये बटर भी, चीज़ भी, जो भी मैं इस्तेमाल करूँगी, ये सब चीज़ें घर की ही हैं, मैंने कोई भी चीज़ बाज़ार से परचेज़ नहीं की है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही बटर का और ये चीज़ की इंशाल्लाह अलग अलग रेसिपीज़ भी आपको दूंगी कि मैं किस तरह से घर में बनाती हूँ और उसको इस्तेमाल करती हूँ। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हेल्दी फूड है, कोई भी चीज़ बाज़ार की नहीं है और प्रोसेस्ड नहीं है। हल्की सी मैं आंच तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हल्की आंच है, थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने ये बटर डालना है, बटर डालने के जब फ़ौरन बाद आपने मैदा डालना है, तो आपने इसको चलाते रहना है, वरना इसके अंदर थोड़े से आ जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने इसको डालना है और साथ साथ चलाते रहना है। और ये मैं आपको पहले ही टिप बता चुकी हूँ कि जितना आपने बटर लेना है उतना ही, इतनी ही क्वांटिटी में आपने मैदा लेना है। तो आप ये देखें कि आप इसकी सिचुएशन देख सकते हैं जो इस वक्त है, हम इस सिचुएशन पर इसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क, मुसलसल हिलाते हुए। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 कप मिल्क, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ हिला रही हूँ। मिल्क ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम इसको करें, लेकिन फिर भी हम इसको हिलाते रहते हैं। आप चम्मच से हिला लें, इससे हिला लें। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 से 1/2 जितना भी आप एज रिक्वायर्ड डाल सकें। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और जिंजर पाउडर। साथ साथ चेक जरूर करते रहेंगे इसकी थिकनेस। ये देखिए सॉस हमारी तकरीबन रेडी है।
लो फ्लेम पे ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीज। वेजेस और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी वेजेस और पास्ता। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें हमारा पास्ता इस वक्त बिल्कुल तैयार है, वाइट सॉस पास्ता। थोड़ी सी सॉस आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो क्वांटिटी सॉस की बढ़ा लें, अगर आपको पास्ता ज़्यादा पसंद है तो पास्ता की क्वांटिटी बढ़ा लें। थैंक यू। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑलिव्स, जो भी चीज़ आप गार्निश करना चाहें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको गार्निश करें और सर्व करें।